सो रिसेंटली मुझे काफी रिक्वेस्ट आई गोल चेहरे के ऊपर हेयर स्टाइल बनाने के तरीके बताएं जब मैंने गोल चेहरे के ऊपर मेकअप कैसे करें वीडियो शेयर करा सो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ राउंड फेस टाइप के अकॉर्डिंग कौन से हेयर स्टाइल्स आप बना सकते हो बेस्ट हेयर स्टाइल बनाने के टिप्स ट्रिक्स और हेयर स्टाइल टूटोरियल होंगे सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले आप देख सकते हो सेंटर पार्टीशन वाला कोई भी हेयर स्टाइल अगर राउंड फेस के ऊपर बनाते हैं तो उससे फेस और ज्यादा गोल दिखाई देता है चाहे आप पोनी कर रहे हो या बन हेयर स्टाइल कर रहे हो तो इसको और ज़्यादा बेहतर करने के लिए यहाँ पे मैंने सेंट्रल पार्टीशन करने के बाद ईयर टू ईयर पार्टीशन करके फ्रंट के जो हेयर सेक्शन है थोड़े पतले फ्लिक्स जो है उनको ओपन छोड़ दिया और बाकी के जो है हेयर हैं उनको लो नेक के ऊपर एक पोनी की फॉर्म में टाई कर दिया अब ये जो फ्लिक्स हैं इनको कैसे सिक्योर करना है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं कान के पीछे इन फ्लिक्स को लेके जा रही हूँ टिकटेक पिन की मदद से सिक्योर कर रही हूँ लेकिन जो इनके आउटर एजेस हैं उनको थोड़ा सा पुल कर रही हूँ और जिनके साथ मैं दोनों तरफ फेक बैंग लुक क्रिएट कर रही हूँ इस तरह से टेम्पल्स का एरिया थोड़ा कवर हो जाता है और एक वॉल्यूम भी क्रिएट होता है ऊपर की तरफ जो कि राउंड और ओवल फेस टाइप के ऊपर ज़्यादा कॉम्प्लीमेंटिंग लगता है एज़ कंपेयर टू सिंपल सेंटर पार्टीशन हेयर स्टाइल के तो ये पहला हेयर स्टाइलिंग टिप है इसी तरह से अगर आप ओपन हेयर का हेयर स्टाइल करना चाहते हो सेम ट्रिक का इस्तेमाल करें बालों को इस तरह से बैंग्स की फॉर्म में सिक्योर करें अगर आप सिंपल बालों को पीछे पुल करके हेयर स्टाइल बनाते हो उसके कंपैरिजन में इस तरह से बैंग्स वाला लुक करते हो तो वो ज़्यादा कॉम्प्लीमेंटिंग लगता है गोल चेहरे के ऊपर सेंटर पार्टीशन को साइड पार्टीशन के साथ रिप्लेस करके भी आप चेहरे में एक हल्का लेंथ ऐड ऑन कर सकते हैं जब साइड पार्टीशन क्रिएट करते हैं तो बालों में थोड़ा वॉल्यूम ऐड ऑन होता है विच गिव द इल्यूजन ऑफ लॉन्गर फेस सो ये हेयर स्टाइलिंग ट्रिप भी आप नेक्स्ट टाइम जब आप हेयर स्टाइल बना रहे हो तो उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं अब गोल चेहरे के ऊपर पार्टी हेयर स्टाइल कैसे बनाएं पार्टी हेयर स्टाइल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने साइड पार्टीशन क्रिएट करी है फ्रंट से छोटे से पतले हेयर के सेक्शंस को सेपरेट किया है राइट एंड लेफ्ट से क्राउन सेक्शन से हेयर का सेक्शन लेते हुए उसके साथ में एक पफ क्रिएट कर रही हूँ पीछे उसको सिक्योर कर रही हूँ और जितने भी बाकी बचे हेयर हैं उनको लो नेक के ऊपर पोनी की फॉर्म में टाई करके देन एक बन बना रही हूँ अब मेरे बाल बहुत ज़्यादा थिन और पतले हैं उनमें नेचुरल वॉल्यूम नहीं है सो so, मैं आर्टिफिशियल हेयर का स्क्रंच ही एड ऑन कर रही हूँ आप अपने नेचुरल बालों के साथ भी बन क्रिएट कर सकते हैं अगर आपके बाल लंबे या यावी हैं तो फोकस यहाँ पे आज राउंड फेस टाइप के ऊपर है सो so, एक साइड के हेयर को मैंने ट्विस्ट करके सिक्योर कर लिया दूसरी तरफ से मैं फेस को फ्रेम करते हुए कुछ बैंग्स ओपन छोड़ रही हूँ और बाकी के हेयर को एकदम नीटली कोम करके पीछे की तरफ सिक्योर कर रही हूँ एंड अगेन उनको थोड़ा सा पुल कर रही हूँ ताकि एक बैंग्स का लुक क्रिएट हो जाए सो so, इस हेयर स्टाइल में ध्यान रखने वाली जो बात यह है कि आपको जो बन बनाना है

लेयर कट से बालों में एक फ्रेमिंग एड ऑन हो जाती है जो चेहरे को कॉम्प्लीमेंट करती है जो आप लेयर्स लेयर्स लोगे ध्यान रखो थोड़ी लेंथ में आपको लेकिन जो लाइन से शुरुआत करें देन कॉलर बोन तक लंबाई में एकदम छोटे छोड़ छोटे लेयर्स लोगे तो उससे चेहरा और गोल दिखेगा लेकिन लंबाई में लेयर्स एड करोगे तो वो राउंड फेस और ओवल फेस शेप को कॉम्प्लीमेंट करेगा सो ट्राई आउट नेक्स्ट टाइम यू हैविंग अ हेयर कट दिस हेयर स्टाइलिंग टिप सो नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अनदर हेयर स्टाइलिंग आइडिया वन हेयर स्टाइल अगर आपको पफ नहीं बनाना है बिकॉज बहुत सारी लेडीज बोलती हैं कि पफ हमसे बनता नहीं है तो उसकी जगह पे आप ये वाला हेयर स्टाइल बनाने का तरीका ट्राई कर सकते हो राउंड फेस टाइप के ऊपर साइड पार्टीशन ली है एक साइड से मैंने ईयर पार्टीशन करके हेयर का सेक्शन जो है वो सेपरेट किया है और बाकी के हेयर के साथ एक पोनी टाई करके अगेन उसमें आर्टिफिशियल हेयर का स्क्रंंच एड ऑन किया ये टोटली ऑप्शनल है आप अपने खुद के बालों से भी जुड़ा क्रिएट कर सकते हो अब जो सामने के हेयर हैं इनको ट्विस्ट करके पीछे पिन किया और फेस फ्रेमिंग बैंग्स जो हैं साइड से फ्लिक्स जो है वो मैंने ओपन छोड़े हैं जो आप ट्विस्ट करोगे वो इस तरह से करना है कि उसमें थोड़ा सा बाउंस जो है वो साइड में एड ऑन होता रहे सो दिस अनदर पार्टी फंक्शन हेयर स्टाइल जो आप ट्राई कर सकते हो नेक्स्ट एक और हेयर स्टाइलिंग टिप अगर आप सेंटर या साइड पार्टीशन की जगह पे जिगजैग पार्टीशन को ट्राई करते हो तो वो भी काफी कॉम्प्लीमेंटिंग लगेगा कैसे क्योंकि जनरली हम सिर्फ या तो सेंटर पार्टीशन करते हैं या साइड पार्टीशन करते हैं जब भी हम अपने बालों में कुछ नया ट्राई करते हैं लाइक एक नई तरह का पार्टीशन ट्राई करते हैं तो बालों में एक इंस्टेंट वॉल्यूम या बाउंस आता है उस सेक्शन में स्पेसिफिकली और राउंड फेस के लिए जितना आपको ऊपर की तरफ वॉल्यूम मिलेगा वो बाल आपके ओवरऑल चेहरे में लेंथ एड करता है नेक्स्ट हेयर स्टाइल है रोजाना में बन हेयर स्टाइल कैसे बनाएं जो सिंपल भी हो और स्टाइलिश भी दिखे सो so, यहाँ पे सेंटर पार्टीशन करने के बाद अगेन सामने की तरफ से हेयर सेक्शंस को सेपरेट छोड़ रही हूँ और पीछे जितने भी बचे हुए हेयर हैं इनको हाइट पे होल्ड करके मैं एक पोनी टाई कर रही हूँ देन बालों को ट्विस्ट करते हुए एक सिंपल सा बन क्रिएट कर रही हूँ सो so, रोजाना में आप एक सिंपल हेयर स्टाइल करना चाहते हो लेकिन एक एलिगेंट लुक भी मैंटेन रखना चाहते हो राउंड फेस टाइप के ऊपर तो इस तरह से बन बना सकते हैं बन को मैं पिंस की मदद से सिक्योर कर रही हूँ और उसके बाद जो फ्लिक्स ओपन छोड़े थे इन दोनों को पीछे यह सिंपल हेयर स्टाइल है रोजाना में गोल चेहरे के ऊपर अगर आपको टॉप नॉट बन हेयर स्टाइल बनाना है तो आप इस तरीके से एक सिंपल सा रोजाना का क्रिएट कर सकते हैं नेक्स्ट हेयर स्टाइलिंग टिप है मांगटिका से रिलेटेड गोल चेहरे के ऊपर या ओवल फेस टाइप के ऊपर इस तरह का लंबा या ओवल शेप का मांग टीका मेरे हिसाब से ज्यादा जचता है ज्यादा कॉम्प्लीमेंटिंग लगता है आप यहाँ पे देख भी सकते हो जो मैंने गोल मांग टीका लगाया है वो इतना ज्यादा जच नहीं रहा जितना की ये ओवल शेप वाला लंबा मांग टीका जच रहा है बताइएगा जरूर आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में सब मांग टीका के साथ हेयर स्टाइल कैसे बनाएं यहाँ पे मैं साइड पार्टीशन क्रिएट कर रही हूँ अगर आपको सेंटर पार्टीशन के साथ ओपन हेयर का हेयर स्टाइल करना है देन ध्यान रखें ओवल शेप का मांग टीका ही इस्तेमाल करें अगर आपको साइड पार्टीशन का हेयर स्टाइल करना है तो पार्टीशन करने के बाद बालों को इस तरह से कान के पीछे एक एक्स्ट्रा हेयर सेक्शन के साथ सिक्योर कर दें ताकि आपका ओपन हेयर का हेयर स्टाइल पूरा दिन टिका रहे मांग टिका के साथ और अगर आपको बन हेयर स्टाइल क्रिएट करना है तो यहाँ की फॉर्म में ट्राई करा देन अपने नेचुरल हेयर के साथ बन बना के उसको सिक्योर कर रही हूं अब उसमें वॉल्यूम ऐड करने के लिए ये ये मैं हेयर फ्रिल एक्सटेंशन जो है ये बालों में सिक्योर करूंगी अगर आपके बाल लंबे या भारी हैं अपने नेचुरल लेंथ ही हेयर को फ्लॉट कीजिए उसके साथ एक बड़ा सा जूड़ा बन क्रिएट कर सकते हैं आप लेकिन पतले बाल हैं तो इस तरह का फ्रिल हेयर एक्सटेंशन आप इस्तेमाल कर सकते हो मैंने सिर्फ ऊपर की तरफ पेंस लगा के इसको सिक्योर करा बिकॉज आई वॉन्ट मोर लॉन्ग एंड वॉल्यूम वाला जूड़ा लो नेक के ऊपर एंड इस तरह से भी आप मांग टीका के साथ बिना पफ के भी हेयर स्टाइल कर सकते हो साइड पार्टीशन वाला और अगर आपको साइड में हेयर स्टाइल नहीं बनाना बन हेयर स्टाइल तो इस तरह से लो नेक बन हेयर स्टाइल क्रिएट करें नेक्स्ट हेयर स्टाइल बनाने का तरीका है सही तरीके से पोनी रियल हेयर स्टाइल कैसे बनाएं सो so, इसके लिए यहाँ पे मैंने फ्रंट से एक हेयर का सेक्शन सेपरेट करके सिक्योर से कर लिया है देन जो क्राउन एरिया का जितना ईयर टू ईयर हेयर का सेक्शन है उसके साथ एक हाई पोनी क्रिएट कर रही हूँ उसको अच्छे से रबर से सिक्योर करने के बाद जो नीचे के बचे हुए हेयर हैं इसको भी उन उस हेयर सेक्शन में मैं ऐड ऑन करके सिक्योर कर रही हूँ अगर मैं दो हेयर सेक्शन करके उसको सिक्योर करती हूँ तो पोनी जो है वो ज़्यादा स्टर्डी और हाइट उसकी जो है ना वो मेंटेन रहती है खास करके पतले थिन और सिल्की हेयर में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि रबर बैंड स्लिप होने लगता है वो हाइट मेंटेन नहीं रहती देन उसके बाद जो फ्रंट के हेयर सेक्शन है इसको हल्का सा ट्विस्ट करके छोटा सा पफ बना के बस पीछे से क्योर कर दिया है अगर आप सिंपल पोनी बनाते हो गोल चेहरे के ऊपर तो उससे चेहरा एकदम फ्लैट दिखता है उसके कंपैरिजन में सामने की तरफ एक छोटा सा पफ दे देने से चेहरे में एक लेंथ एड ऑन हो जाती है गोल चेहरे के ऊपर हेयर स्टाइल बनाने के बहुत सारे तरीके आज मैंने आपके साथ शेयर करे कुछ खास टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ ये हेयर स्टाइल लेडीज भी बना सकती हैं गर्ल्स भी क्रिएट कर सकती हैं बन हेयर स्टाइल भी हैं ओपन हेयर स्टाइल बनाने के तरीके भी मैंने शेयर करे हैं सो आई होप कि मैंने आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करा होगा ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इस तरह के और हेयर स्टाइल बनाने के तरीके और मेकअप कैसे करें वीडियो देखने के लिए टिप्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लव यू ऑल बाई